Hello guys, welcome to Smart Learning Academy. My name is Viren Singh, and in this video tutorial I am going to discuss about the solution of part A problems of the CSIR December paper. ठीक है, 2018 में पूछा गया जो पार्ट ए के प्रॉब्लम्स है उन वीडियोस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो लेक्चर सीरीज में, तो हम उन वीडियोस को देखेंगे। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप देख लीजिए, ताकि इससे पहले जो मैंने बाकी क्वेश्चंस थे, प्रीवियस क्वेश्चन 13-14 क्वेश्चन, उनके बारे में मैंने डिस्कस किया है। इस वीडियो में मैं आगे जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, जहाँ पर मैं लेक्चर वीडियोज़ डिलीवर करता हूँ, एंड यू कैन ज्वाइन अस ऑन द फेसबुक विद द नेम स्मार्ट लर्निंग अकेडमी, जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं, जो भी आप वहाँ पे हमसे डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स सी दोस क्वेश्चंस। जो पहला क्वेश्चन है वो 14 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि एन आइडियल पेंडुलम ऑसिलेट्स विथ एंगुलर एम्पलीट्यूड विथ 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। उन्होंने बताया कि 30 डिग्री वर्टिकल से एंगुलर एम्पलीट्यूड है। इफ़ इट इज़ ऑब्जर्व एट रैंडम इंस्टेंट ऑफ टाइम, इट्स एंगुलर डेविएशन फ्रॉम द वर्टिकल इज मोस्ट लाइकली टू बी। जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि जो पेंडुलम है वो कैसा है, वो आइडियल है। आइडियल का मतलब है कि नो लॉस इन एनर्जी, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, वो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट करता रहेगा, स्लो डाउन नहीं होगी उसकी जो स्पीड है, ठीक है, ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसी, तो कॉन्टिन्यूस ऑसिलेशन करेगा ये। तो इस मूवमेंट में क्या होगा कि वो प्लस 30 इधर भी जाएगा, प्लस 30 इधर भी जाएगा, तो ये ऐसे ही करता रहेगा। आप कभी भी देखोगे तो इसी रेंज में आपको ये पेंडुलम मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, इसका आंसर 4 होगा। तो इसके बेसिस पे हम क्या इसको करेंगे, ठीक है, आइडियल पेंडुलम आपको क्लियर है। तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 15 नंबर का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि अगर SELDOON सेल्डून मीन्स नूडल्स, ठीक है, उन्होंने क्या किया, सेल्डून को नूडल्स कर दिया, जस्ट रिवर्स कर दिया। ठीक है, आप देखिए NOODLES उसी को क्या कर दिया, नूडल्स को ही उल्टा करके सेल्डून, सेल्डून को उल्टा करके नूडल्स। देन व्हाट डज स्पाउस मींस, SPUOS, ठीक है, स्पाउस नहीं SPUOS है, तो उसमें क्या होगा, आप इसकी स्पेलिंग को उल्टा कर दीजिए, SOUPS, दैट इज सूप्स। ठीक है, मतलब कि नूडल्स को उल्टा करके उन्होंने सेल्डून लिखा था, तो आप सूप्स का उल्टा करके लिखा हुआ है उसको करेक्ट करेंगे तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, सूप्स हो जाएगा। बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप क्या पूछा इन्होंने, कि अ स्टूडेंट इज फ्री टू चूज ओनली केमिस्ट्री, ओनली बायोलॉजी और बोथ। ठीक है, एक जो किया गया उन्होंने पूछा कि एक कुछ स्टूडेंट से जो कि सिर्फ केमिस्ट्री चूज कर रहे हैं, सिर्फ बायोलॉजी चूज कर रहे हैं, या दोनों चूज कर रहे हैं। इफ़ आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स केमिस्ट्री हैज़ बीन चोजन बाई 16, बायोलॉजी हैज़ बीन चोजन बाई 25, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव चोजन बायोलॉजी बट नॉट केमिस्ट्री, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी चूज किया है। वैसे इसके दो तरीके से आंसर निकल सकते हैं। वैसे सीधा दिख रहा था कि अगर 16 केमिस्ट्री लिया है तो 16 बाकी बचे हुए बायोलॉजी लेंगे, क्योंकि वही दोनों लेना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसको सॉल्व ट्रेडिशनल कैसे करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड से। क्या दिया इन्होंने, टोटल जो है वो कितना है, 32। केमिस्ट्री के कितने सॉल्व, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स कितने हैं, 16 हैं, बायोलॉजी के 15, तो ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जो बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री लिए होंगे, 25 प्लस 16 माइनस 32 कर लीजिए, 25 प्लस 16 41 माइनस 32 क्योंकि टोटल नंबर है, तो ये जो वैल्यू आएगी 9 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री लिए हुए हैं। और बायोलॉजी बट नॉट केमिस्ट्री वाले कितने हो जाएंगे, जो ये टोटल थे बायोलॉजी, इसमें से बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री वाला घटा दीजिए, जो 25 माइनस 9 यू विल गेट द नंबर ऑफ बायोलॉजी बट नॉट केमिस्ट्री। ठीक है, इसका मतलब हो गया 16। ठीक है, 16 ये आपको ट्रेडिशनल वे से भी पता चला था कि इसका वो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो 16 आएगा। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आंसर क्या आ रहा है, 16। तो 16 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 16 होगा। ठीक है, डाउट क्लियर है ना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है 17th क्वेश्चन। क्या इन्होंने पूछा इस क्वेश्चन में, कि द लिफ्ट अपवर्ड
फोर्स ड्यू टू एयर, जो एक एयरक्राफ्ट होता है जो एयर एयर की वजह से अपवर्ड मूवमेंट लगता है, जनरेटेड बाय द विंग्स एंड इंजन्स इन एयरक्राफ्ट। क्या है कि जो लिफ्ट होता है वो विंग्स और एयरक्राफ्ट की वजह से, इंजन्स की वजह से एयरक्राफ्ट में, वो कैसा डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव मतलब अपवर्ड्स एंड निगेटिव मतलब डाउनवर्ड्स। अब लैंडिंग में पॉजिटिव है, निगेटिव डाउनवर्ड्स है, ऐसे बताया। दूसरा ऑप्शन है निगेटिव वाइल लैंडिंग एंड पॉजिटिव वाइल टेकिंग ऑफ। तीसरा ऑप्शन है निगेटिव डाउनवर्ड्स वाइल लैंडिंग एज वेल एज टेकिंग ऑफ। फोर्थ ऑप्शन है पॉजिटिव वाइल लैंडिंग एज वेल एज टेकिंग ऑफ। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा कि जो इंजन, एक क्वेश्चन पढ़िएगा कि द लिफ्ट जनरेटेड बाय द विंग्स एंड इंजन्स, ठीक है, द लिफ्ट जनरेटेड बाय द विंग्स एंड इंजन्स, तो इसका जो जो मूवमेंट है उसका जो है वो कैसा होगा, आपको एयर का नहीं देखना। ठीक है, तो इस पे देखिए अपवर्ड फोर्स ऑन द लिफ्ट, ठीक है, ये लिफ्ट है, ठीक है, अपवर्ड फोर्स है, ठीक। तो अब इसमें क्या होता है कि जो विंग्स होते हैं, विंग्स का कुछ ऐसे होता है कि पहले इसमें देखिए, ये जो रेफरेंस लिया है मैंने एक्सप्लेन दैट स्टफ डॉट कॉम से, तो उसमें क्या उन्होंने बताया है कि एयर जो स्प्लिट्स होती है फ्रंट से, कुछ इस तरीके की जो होती है विंग्स होती हैं एयरक्राफ्ट्स की, तो एयर का जो प्रेशर होता है, पहले क्या होता है कि एयर स्प्लिट्स होती है इन फ्रंट पे, वहाँ से क्या होता है एयर प्रेशर रिड्यूस होता है, और रिड्यूस होने की वजह से इसके नीचे जो होता है एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है अंडरनीथ, और एयर जो होता है एक्सेलरेट डाउन कर जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो मूवमेंट जो होता है, ठीक है, जो विंग्स करते हैं वो क्या करते हैं डाउनवर्ड मूव फोर्स करते हैं एयर को, ताकि वो उठ सके। अगर प्लेन को उठाना है तो विंग्स का काम क्या होता है, अंदर नीचे प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करना, नीचे मूवमेंट एयर का ज़्यादा करना, ताकि लिफ्ट कर सके। और यही कंडीशन दोनों टेकिंग ऑफ में भी होता है और लैंड करने में भी होता है, ये दोनों कंडीशंस जो होते हैं, चाहे टेकिंग ऑफ करना हो आप प्लेन, अगर आप जनरल प्रिंसिपल से भी देखो, जब प्लेन लैंड करेंगे तो भी उनको एयर बैलेंस करना होता है, ताकि स्लोली लैंड हो, तो भी आपको नीचे प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करना पड़ेगा। और जब टेकिंग ऑफ कर रहे हैं किसी भी एयरक्राफ्ट को या प्लेन को, तो भी क्या होगा पॉजिटिव जो प्रेशर होगा वो पॉजिटिव होगा, सॉरी निगेटिव होगा, डाउनवर्ड। ठीक है, जो प्रेशर क्रिएट करेंगे विंग्स वो किधर क्रिएट करेंगे, डाउनवर्ड करेंगे। तो आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा थर्ड, निगेटिव इन बोथ केसेस एज वेल एज इन लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, एंड आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं लेक्चर वीडियोस डिलीवर करता हूँ। यू कैन ज्वाइन माई फेसबुक ग्रुप, द लिंक इज गिवन फॉर द बोथ अनअकैडमी एंड फेसबुक इन द गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।